हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सो वेलकम टू अवर चैनल आईसीएम एजुकेशन। और इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं आपके गेट 2010 का कंप्यूटर साइंस ब्रांच में आया हुआ क्वेश्चन है, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे। इस वीडियो को आप लोग लास्ट जरूर देखना, इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेंगी। यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है इस क्वेश्चन का, ये कॉन्सेप्ट आप लोग अपने जो एप्टीट्यूड की तैयारी करते हैं यहाँ पे गेट के लिए या बाकी एग्जाम के लिए भी, तो इसमें ये कॉन्सेप्ट आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो आपको मजा आएगा इस वीडियो में, और बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस का। सो मेरे पास लिखा हुआ है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ डिवाइजर ऑफ 10^99 इज वेरी बिग नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 10^96। अगेन एक बिग नंबर है यहाँ पे, ठीक है। सो अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले देखो यार कि मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि भाई डिवाइजर ऑफ 10^99 इज मल्टीपल ऑफ 10^96। तो ये मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी यहां पे फाइंड करनी है, ठीक है। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो ये काफी बड़े नंबर्स हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, यहां पे आपको इस क्वेश्चन पे दो नए वर्ड आपको नजर आ रहे होंगे, और वो दो नए वर्ड कौन कौन से आपको बता दूं मैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा सर ये डिवाइजर क्या होता है और ये मल्टीपल क्या होते हैं। तो चलो एक काम करते हैं कि पहले ऐसा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि भाई डिवाइजर को अपन क्या बोलते हैं या मल्टीपल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले अगर मैं डिवाइजर की बात करता हूं, ठीक है। सो डिवाइजर होता क्या है भाई? डिवाइजर को हम लोग बोलते हैं यहां पे फैक्टर्स, ठीक, फैक्टर्स, ठीक है। अगर मैं किसी नंबर को, ठीक है, ध्यान देना आप लोग यहां पे, अगर मेरे पास कोई नंबर है, कोई नेचुरल नंबर है, और मैं उसे डिवाइड कर रहा हूं किसी और से, ठीक है। सो डिवाइड करने पे अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो इस टाइप के नंबर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? डिवाइजर्स बोलते हैं। मतलब कैसे सर? देखो, अगर बोलो सर मेरे पास यहां पे 6 है, अगर मैं 6 को 1 से डिवाइड करता हूं तो कितना मिलेगा? सर मुझे मिलेगा यहां पे 6, और रिमाइंडर कितना मिलेगा जल्दी से बताएंगे आप लोग? सर रिमाइंडर आप मिलेगा यहां पे 0, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं यहां पे 6 डिवाइड बाय 2 करता हूं तो मुझे मिलेगा 3 क्वेश्चंट, और इसमें रिमाइंडर कितना मिलेगा? सर 0। अगर मैं यहां पे 6 डिवाइड बाय 3 करता हूं तो मुझे मिलेगा क्वेश्चन 2, और रिमाइंडर विल बी 0, ठीक है। अगर मैं 6 डिवाइड बाय, चलो 5 करता हूं, ध्यान देना आप लोग यहां पे 6 डिवाइड बाय 5, तो क्या मिलेगा? क्वेश्चन क्या मिलेगा? सर 1 टाइम ये डिवाइड होगा और आपको ये रिमाइंडर छोड़ने वाला है 1। बात समझ में आ रही है? अगर मैं बोलता हूं कि सर अपने को 6 को 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा? सर 1 टाइम डिवाइड होगा, रिमाइंडर आपको मिलेगा 2, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं यहां पे 6 को, ध्यान देना आप लोग, अगर मैं 6 को 12 से डिवाइड करता हूं तो 0 टाइम डिवाइड होगा, ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। इस केस में आपको रिमाइंडर जो रहेगा वो रिमाइंडर बचेगा यहां पे 6, जो एक्चुअल नंबर है, जो नेचुरल नंबर है मेरे पास। अब यहां से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि कहां कहां पे आपको रिमाइंडर 0 मिल रहा है। सर रिमाइंडर मेरे को 0 यहां पे मिल रहा है, यहां पे, और कहां पे मिल रहा है? देख लो, आपके पास ये 3 जगह पे आपको रिमाइंडर 0 मिल रहा है। अगर मैं चलो एक और नंबर लेता हूं, सर कौन सा नंबर? ये देखो, अगर मैं 6 को 6 से डिवाइड करता हूं तो ये 1 टाइम डिवाइड होगा, और इन दैट केस वी विल गेट अ रिमाइंडर ऑफ 0। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे यहां पे कि 4 प्लेसेस पे आपको रिमाइंडर क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है, ठीक। और 0 कब कब मिल रहे हैं? जब वहां पे जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, सर 1, 2, 3 और ये 6, इन चार जगह पे आप देखोगे कि 6 को वो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो इस टाइप के नंबर जो किसी नंबर को, किसी नेचुरल नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं उसका फैक्टर या फिर उसका डिवाइजर। क्या बात समझ में आई? ठीक है। और बाकी जगह पे आप देख सकते हो कि सब में रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के अलावा और भी कुछ वैल्यू है, ठीक, लेकिन 0 नहीं है। तो इस टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं यहां पे? डिवाइजर्स या फिर फैक्टर्स। अगर मैं बोलूं यहां पे सर 6 को मैं क्या बोल रहा हूं, तो मैं 6 को क्या लिख सकता हूं? सर 1 × 6 लिख सकता हूं मैं। सर और क्या लिख सकते हैं इसको अपन? और लिख सकते हैं सर 2 × 3, तो ये मेरे पास है। सर आगे और क्या लिख सकते हैं? सर 3 × 2, तो आप देख रहे होंगे मैं यहां के नंबर को इंक्रीज कर रहा हूं 1, 2, 3, तो ये मेरे पास कॉम्बिनेशन है। लेकिन आप ध्यान दो सर, ये कॉम्बिनेशन को तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं ना, 3 × 2 या 2 × 3, बात एक ही है ना। इसका मतलब जैसे ये रिपीट होना स्टार्ट होगा, तो आप देख सकते हो कि भाई मेरे पास यहां पे आ गया इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स।
तो कितने सिक्स से कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल रहे हैं सर? नंबर ऑफ फैक्टर्स की मैं अगर बात करूं यहां पे ऑफ सिक्स, तो मैं बोलूंगा यहां पे नंबर ऑफ फैक्टर्स, या उसी को हम लोग बोलते हैं यहां पे नंबर ऑफ डिवाइजर्स। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ व्हाट सर? ऑफ सिक्स। और इसका वैल्यू मेरे पास टोटल फोर यहां पे निकल रहा है। ठीक, अभी कैसे निकल रहा है, अपन इसको वन बाय वन डिवाइड करके चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई मैंने यहां पे क्या किया है कि मैंने एक छोटा सा नंबर लिया है सिक्स। अगर यहीं पे बड़े नंबर्स होते हैं तो अपन क्या उसे वन बाय वन चेक करेंगे कि भाई कौन इसका डिवाइडर डिवाइजर बनने वाला है? नहीं, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला आप देख रहे हैं यहां पे कैसे अपन लिखने वाले हैं। ठीक, सो भाई अगर मेरे पास कोई नेचुरल नंबर है, लेट्स सपोज एन, एन मेरे पास क्या है यहां पे एक नेचुरल नंबर है। अगर मेरे पास नेचुरल नंबर का फॉर्म होता है ए पावर पी इंटू बी पावर क्यू इंटू सी पावर आर, ये देखो। ठीक, तो अगर मुझे इस नेचुरल नंबर का नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, या फिर इसको हम बोलते हैं डिवाइजर, जिसके हम लोग क्वेश्चन में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है मेरे पास p प्लस वन क्यू प्लस वन और r प्लस वन। सर यहां पे a b c क्या है बताइए तो? देखो आपको बता रहा हूं सर, a b c आर दी प्राइम नंबर्स। क्या है मेरे पास? ये प्राइम नंबर्स। ओके, और सर p q और ये r क्या है मेरे पास? तो p q r मेरे पास इसके रिस्पेक्टिव पावर्स। क्या है मेरे पास? ये रिस्पेक्टिव पावर्स इसके प्राइम नंबर्स के। ठीक, तो जब भी किसी अपन नेचुरल नंबर को उसके प्राइम नंबर्स और उसके रिस्पेक्टिव पावर्स के फॉर्म में लिखते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं सर? उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम लोग यहां पे? फैक्टराइजेशन, ये लिखा मैंने। और इसको हम लोग फैक्टराइजेशन का जो फॉर्म है इसको अपन पहली बार पढ़े थे, क्लास फोर्थ फिफ्थ के आसपास पढ़े थे इसको हम लोग, जिससे अपन किसी भी नेचुरल नंबर को उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स के फॉर्म में करते हैं और उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन किसी भी नेचुरल नंबर का ऑलवेज प्राइम नंबर्स और प्राइम नंबर्स के रिस्पेक्टिव पावर्स के साथ होता है। अब सर ये प्राइम नंबर क्या होता है तो आपको बता दूं मैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो जो नंबर खुद से डिवाइड होते हैं या फिर बाय वन। फिर से बोल रहा हूं, द नंबर विच इज डिवाइडेड बाय वन एंड बाय इटसेल्फ, और वो सारे नंबर होते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे अगर मैं बोलूं यहां पे कि टू, टू किससे डिवाइड होता है सर? टू टू से डिवाइड होगा और वन से डिवाइड होगा, मतलब टू यहां पे प्राइम नंबर हो गया। अगर बात करो यहां पे थ्री, यहां पे प्राइम नंबर है क्या? देखो चेक करते हैं अपन। अगर मैं बोल रहा हूं सर कि प्राइम नंबर है कौन यहां पे, तो देखो टू मेरे पास, थ्री, ठीक, नेक्स्ट क्या होगा सर? फाइव होगा ना। ठीक है सर, नेक्स्ट सिक्स हो सकता है क्या? नहीं, सिक्स जो है वो सिक्स से डिवाइड तो है, दैट इज ओके। वन से भी डिवाइडेड हुआ है, दैट इज ओके, लेकिन सिक्स टू से भी डिवाइडेड है, थ्री से भी डिवाइडेड है, मतलब इसका फैक्टराइजेशन अपन यहां पे कर सकते हैं प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। इसका मतलब कि ये सिक्स यहां पे प्राइम नंबर नहीं है। कुछ लोग को डाउट होता है कि भाई वन प्राइम नंबर है क्या, तो मैं बोलूंगा सर वन प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, अगर बोलो सर नेक्स्ट क्या होगा सर? सेवन होगा। सर बताइए तो एट हो गया? नहीं, एट टू से डिवाइड हो सकता है ना? नाइन नहीं, टेन नहीं। क्या नेक्स्ट क्या होगा बताइए सर? इलेवन, थर्टीन, फिर 17, ये सब मेरे पास आप देख पा रहे होंगे। ठीक, तो इसमें आपको एक और पॉइंट मैं ऐड करता हूं कि सर अगर आप देख रहे हो ना टू को, तो टू एक इवन नंबर को शो कर रहा है और यही एक लौता प्राइम नंबर होता है, इवन नंबर टू। और आप बाकी अगर नंबर्स को आप देख पा रहे होंगे तो बाकी नंबर्स मेरे पास क्या है यहां पे सर? ऑड नंबर्स है। तो अगर मैं बात करूं यहां पे कि सर अगर प्राइम नंबर एक इवन है तो वो सिर्फ और सिर्फ टू होने वाला है और बाकी के सारे प्राइम नंबर्स ऑलवेज ऑड रहने वाले हैं। क्या आपको बात समझ में आई क्या? ठीक है, मजा आया। अब देखते हैं यहां पे कि सर ये जो आपने लिखा हुआ है सिक्स, यहां पे अगर मैं सिक्स की वापस बात करता हूं तो सिक्स का मुझे अगर फैक्टराइजेशन करें तो मैं क्या लिखता हूं सर? टू इंटू थ्री लिखता हूं ना, तो इसका फैक्टराइजेशन हो गया प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। ये आपको ऐसा दिख रहा है कि सर टू पावर वन इंटू थ्री पावर वन। तो अगर मुझे यहां पे नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करना है किसके लिए? सिक्स के लिए, तो मैं वो फॉर्मूला यूज कर सकता हूं सर, p की वैल्यू वन है, q की वैल्यू वन, बस हो गया। तो यहां पे वन प्लस वन और ये वन प्लस वन, हाउ मच सर? टू इंटू टू, फोर। तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ फैक्टर्स सिक्स के लिए कितना आ गया, नंबर ऑफ डिवाइजर कितना आ गया सर? देखो ना आ गया फोर यहां पर। समझ में आ रही बात? चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मजा नहीं आया, और एग्जाम्पल लेते हैं। फिर से एक छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं आपके पास। तो देखो यहां पे मैंने नेचुरल नंबर लिया, लेट्स सपोज 12।
12 को यार कैसे लिख सकते हैं हम लोग? सर 12 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3, सर ऐसे भी तो लिखते हैं हम लोग 4 इंटू 3, क्या है, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने आपको बोला है कि नेचुरल नंबर को अपने को फैक्टराइजेशन करना, फैक्टराइजेशन को कैसे लिखते हैं हम लोग? सर फैक्टराइजेशन को हम लोग लिखते हैं प्राइम नंबर्स और उसके रिस्पेक्टिव पावर्स में। तो यहां पे आप देख सकते हो कि 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो ये मेरे पास एक्चुअल फैक्टराइजेशन का रिप्रेजेंटेशन है फॉर द नेचुरल नंबर 12, ठीक। तो यहां पे अगर आप कंपेयर करोगे तो भाई मेरे पास p की वैल्यू 2 है और q की वैल्यू मेरे पास 1 है, ये 2 और ये 1, ठीक। तो यहां पे अगर मुझे फाइंड करना है नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर 12 या फिर उसका लिखते हैं हम लोग डिवाइजर, तो आप क्या लिखने वाले हैं यहां पे? सर 2 प्लस 1 और ये 1 प्लस 1, हाउ मच? 3 इंटू 2 दैट इज 6, जैसा आप देख सकते हो। सर 6 कैसे आ रहा है समझ नहीं आया, देखो आपको बताता हूं मैं। अगर मुझे लिखना है 12 को, तो 12 को लिखने का तरीका क्या होता है फैक्टर्स के फॉर्म में? सर 1 इंटू 12 लिख सकते हैं ना सर, और क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 6, और क्या लिख सकते हैं सर? 3 इंटू 4 भी तो लिख सकते हैं सर। आगे अगर आप नेक्स्ट जाओगे तो 3 के बाद क्या आएगा सर? 4, 4 इंटू 3, इसका मतलब यहां से ये वापस से रिपीट होना स्टार्ट हो चुका है, जैसे मैंने आपको 6 के लिए बताया था। तो जैसे ये रिपीट होना स्टार्ट हुआ यहीं पे आके आप स्टॉप हो जाओ, तो ये अपना कॉम्बिनेशन तैयार हो चुका है। तो इसमें 12 को लिखने के लिए कितने नंबर्स यूज हो रहे हैं सर? 1, 12, 2, 6, 3, 4, हाउ मच? सर टोटल यहाँ पे 6 यूज हो रहे हैं, आप देख सकते हो कि दोनों यहाँ पे इक्वल है। तो ये मैंने फॉर्मुला के थ्रू आपको बताया और ये रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में बताया, ठीक है। चलो अगर मैं एक और बात करता हूं कि सर एक और एग्जांपल लो आप कि कौन सा, लेट सपोज मेरे पास है 24, अगर मुझे लिखना है 24 को, तो 24 को मैं क्या लिख सकता हूं जल्दी से बताओ आप लोग? सर 24 को मैं लिख सकता हूं 2³ × 3, ये लिख सकता हूं ना मैं अपने पास। तो यहां पे आप देखोगे सर पी की वैल्यू 1, सॉरी पी की वैल्यू 3 और क्यू की वैल्यू 1। हो सकता है आपके पास कि सर ए बी सी प्राइम नंबर से ज्यादा भी प्राइम नंबर्स आए, हो सकता है प्राइम नंबर्स किसी के फैक्टराइजेशन में आपको 2, 3, 5, 7, 11 ये सब देखने मिल गया, तो कुछ नहीं करता है इसके ए बी सी आगे बढ़ जाओ डी ई और उसके रिस्पेक्टिव पावर्स। तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास? पी प्लस 1, क्यू प्लस 1, आर प्लस 1, नेक्स्ट एस प्लस 1, जो भी आप रिप्रेजेंटेशन करोगे यहां पे उसके पावर्स का, एस प्लस 1, टी प्लस 1, जो भी आप लिखना चाहो, तो बस फॉर्मूले वो एडअप हो जाएगा। तो अपने को जोरो से 3 प्राइम नंबर्स के मैक्सिमम, इसलिए मैंने 3 प्राइम नंबर्स के फॉर्म में आपको फॉर्मूला लिखवाया, ठीक है ना। तो चलो अगर मुझे लिखना है इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स या फिर उसके बाद अपन लिख सकते हैं इसका डिवाइजर, तो ये क्या होगा मेरे पास? सर कुछ नहीं है, बस 3 प्लस 1 और ये 1 प्लस 1, हाउ मच? 4 इंटू 2, ये हो गया मेरे पास 8। सर ये 8 कैसे हो रहा है फिर से बताइए। तो देखो आपको बता रहा हूं मैं, अगर मैं 24 लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? सर 1 × 24, उसके बाद सर यहां पे लिख सकते हैं 2 × 12, आगे बढ़ते हैं 3 × 8, आगे बढ़ते हैं 4 × 6, ये 5 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं, 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है। सर आगे क्या होगा? सर आगे होगा 6 × 4, 6 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन आप लोग ध्यान रखना कि ये कॉम्बिनेशन आपने ऑलरेडी ले लिया है, ये देखो, ठीक है, इसका मतलब जहां पे रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है बस वहीं पे एंड कर दो इसको। तो आप देख सकते हो कितने 24 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने नंबर्स यूज हो रहे हैं फैक्टर्स में। सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितना सर बताइए? तो सर 8, आप जैसे देख पा रहे हो कि देखो ये 8 आ गया, ये 8 आ गया, तो मैं काफी छोटे नंबर्स यहां पे लिया हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। अगर चलो अपन थोड़ा और एक्स्ट्रा बात करते हैं कि सर अगर मेरे पास कोई नेचुरल नंबर है 10, मैं यहां पे लिख रहा हूं स्पेस नहीं वहां पे, ठीक, अगर मेरे पास कोई नेचुरल नंबर 10 है, मुझे इसको लिखना है सर 2 × 5 फैक्टराइजेशन, ये पावर 1, इसका मतलब इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा बताइए तो आप लोग? नंबर ऑफ फैक्टर्स सर 1 + 1 और 1 + 1, हाउ मच? सर 4 होगा ना, बस सिंपल यहां पे। और इसका मतलब अगर मुझे 10 को लिखना है तो आप कैसे लिखोगे सर 10 को? देखो मैं लिख के बता रहा हूं, सर 10 को आप लिखोगे 1 × 10, फिर किससे डिवाइड होगा? सर ये 2 × 5 से हो जाएगा, आगे सर 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से वापस रिपीट, इसका मतलब कितने नंबर्स यूज हुए सर? 1, 10, 2, 5, हाउ मच? सर 4 यूज हुए ना, जैसा आप देख पा रहे होगे ये दोनों यहां पे एक ही आए, ठीक। तो ये छोटे नंबर्स की बात मैंने की यूजिंग फॉर्मूला और उसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है।
अब यहां पे मैंने डिवाइजर को आपको बता दिया है, ये फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ है। सो काफी बड़े नंबर्स है, क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो 10^19 and 10^96, देखेंगे उसको भी एक छोटा सा एग्जांपल लेके और कंक्लूड करेंगे कि आंसर कैसे आने वाला है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर मैं यहां पे ध्यान से देखता हूं कि भाई डिवाइजर तो अपना कंप्लीट हो गया सर, ये मल्टीपल्स क्या होते हैं बताइए। तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखते हैं यहां पे, अगर मैं चलो मल्टीपल की बात करता हूं तो अपने पास नेक्स्ट यहां पे टर्म आने वाला है सर मल्टीपल होता क्या एक्चुअली में बताइए। तो कुछ लोगों को पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी सी चीज होती है। अगर लेट्स सपोज मैं लिख रहा हूं 12, तो भाई 12 का अगर मुझे टेबल लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा सर 12 × 1 = 12। सर मैं लिखने वाला हूं सर 12 × 2 = 24। ठीक है सर, मुझे लिखना है 12 × 3 तो आप लिखेंगे 36। सर 12 × 4 आप लिखोगे सर 48। सर 12 × 5 आप क्या लिखोगे सर 60 लिखोगे, एंड सो ऑन। ठीक, यहां से आप समझ जाओगे। तो ध्यान दो यार कि आप जब लिखते हो 12 तो आप 12 को कैसे यहां पे डिफाइन करोगे। सर 12 इज द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 12, समझ में आ रही क्या बात। सर आपको 36 को डिफाइन करना है तो 36 आपको डिफाइन कैसे करोगे सर 36 इज द थर्ड मल्टीपल ऑफ 24 थर्ड मल्टीपल ऑफ व्हाट 12, समझ में आ रही बात। अगर आपको लिखना है सर 60 तो 60 इज व्हाट फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 12। इसका मतलब ये जो पार्ट आपको शो कर रहा है ये पूरा पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ये एक्चुअली में है क्या, ये एक्चुअली में इसके मल्टीपल ऑफ 12 को शो कर रहा है या जो भी नंबर आप यहां पे लिखना चाहोगे, और ये उसका वैल्यूज। बात समझ पा रही? तो जब भी आप किसी का टेबल लिखते हो तो आप क्या करते हो उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड उसके मल्टीपल्स पे जाते हो, और वहां पे आपको पता चलता है कि कोई भी नेचुरल नंबर का जो मल्टीपल्स होता है वो होता है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है ना, तो ये मेरे पास होते हैं मल्टीपल्स। ठीक, तो आप लोग इसको पूरा नोट कर लो, फिर अपन एक्चुअल क्वेश्चन के डिस्कशन पे आते हैं, मजा आएगा आपको। ठीक है, सो होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ पे डिवाइजर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एबल हो चुके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सो मैं आपको एक चीज कहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप ना वीडियो पॉज करो और एक बार सॉल्व करके देखो कि क्या आंसर अपने पास मैच कर रहा है। अगर आपके सॉल्व होता है ना तो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है, आपका कॉन्सेप्ट मस्त हो गया है। अगर आपके सॉल्व नहीं होता है ना, अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो सॉल्व नहीं होगा तो बिल्कुल भी आपको मॉरल डाउन नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अगर मैं इसका एक्चुअल क्वेश्चन की बात करता हूं तो मेरे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिवाइजर ऑफ 10^99 इज अ मल्टीपल ऑफ 10^96। एक काम करते हैं ना, काफी बड़े नंबर है, इसको मैं छोटे नंबर्स में कन्वर्ट करता हूं। लेट सपोज अगर मुझे फाइंड करना होता कि सर डिवाइजर ऑफ 10^3 इज मल्टीपल ऑफ 10^2। ठीक, लेट सपोज अगर मुझे ये फाइंड करना होता, सर ऐसा आपने क्यों लिया है, अभी देखना आपको बढ़िया ना कंक्लूजन समझ में आएगा, आपको इस क्वेश्चन से प्यार हो जाएगा। ठीक है, सो देखो यहां, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई डिवाइजर ऑफ 10³ इज अ मल्टीपल ऑफ 10² तो एक काम करते ना कि ऐसे कितने डिवाइजर हैं जो इसके मल्टीपल्स बनने वाले हैं। क्वेश्चन यही है ना अपने पास, डिवाइजर ऑफ 10³ इज अ मल्टीपल ऑफ 10² तो एक काम करते ना, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं सर नंबर ऑफ फैक्टर्स या फिर डिवाइजर ऑफ व्हाट ऑफ 10³। तो भाई क्या लिख सकते हैं हम यहां पे, अगर फाइंड करना है तो सर अपन क्या कर सकते हैं, सर 10³ को मैं लिख सकता हूं सर इस पर 2 × 5³, तो ये क्या हुआ मेरे पास सर 10³ हो गया मेरे पास 2³ × 5³। इसका मतलब अगर मैं यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो फॉर्मूला क्या होता है सर 3+1 और ये 3+1, तो ये मेरे पास हो गया नंबर ऑफ फैक्टर दैट इज 4 × 4 = 16। क्या बात समझ में आ रही है आपको, तो मेरे पास ऐसे कितने डिवाइजर है सर 10³ के, सर 16 डिवाइजर्स हैं या फैक्टर्स हैं, समझ में आ रही बात। अब मैं अगर देखता हूं इसका एक्सप्लेनेशन को तो भाई लिखा हुआ है मेरे पास डिवाइजर ऑफ 10³ इज अ मल्टीपल ऑफ 10² एक बात बताओ, अगर मुझे लिखना है सर 10² ये 10 के स्क्वायर को मेरे को 10³ बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, ध्यान से देखना मैं क्या लिखने वाला हूं यहां पे सर, ये 1 × 10² ये ऐसा लिख सकते हैं क्या हम लोग, द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 10² × 10 बन गया 10³। ठीक है, अगर मुझे लिखना है सर 2 × 10²
तो आप यहां पे क्या लिखोगे सर, 5 लिखोगे, ये बनेगा 10 क्यूब। बात समझ में आ रही है सर? अगर मुझे लिखना है यहां पे 5 into 10 स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा सर? यहां पे क्या लिखेंगे हम सर? यहां पे हम लिखेंगे into 2 और ये बनेगा 10 क्यूब। ठीक है, अगर आप यहां पे लिखते हो सर 10 into 10 स्क्वायर into 1, तो इसको आप क्या बोलोगे सर? ये हो जाएगा अपने पास 10 क्यूब। और कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या सर? नहीं हो सकती यहां पे, क्योंकि अपने को 10 स्क्वायर से 10 क्यूब पे जाना है। तो मैं यहां पे देख पा रहा हूंगा कि 10 स्क्वायर के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं सर? फर्स्ट मल्टीपल, सेकंड मल्टीपल, फिफ्थ मल्टीपल और 10th मल्टीपल। तो आप देख रहे हो यहां पे कि ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है 10 स्क्वायर के मल्टीपल्स को। क्या शो कर रहा है मेरे पास? ये शो कर रहा है मल्टीपल्स को। और कितने मल्टीपल्स है मेरे पास? अगर बात करूं सर नंबर ऑफ मल्टीपल्स कितने मेरे पास सर? 4 है ना आपके पास। समझ में आ रही बात? और आप ध्यान देना कि सर यहां पे 10 क्यूब का अगर मैं डिवाइजर बोल रहा हूं, तो 10 क्यूब के डिवाइजर कौन कौन है सर? 10 है, 5 है, 2 है, 1 है, या फिर 1, 2, 5, 10 ऑलरेडी बोल चुके हम लोग। या 10 क्यूब का डिवाइजर और कौन कौन है सर? 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, ये सब सबके सब यहां पे 10 क्यूब के डिवाइजर्स हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे अपने को चेक करना क्या था कि सर डिवाइजर ऑफ 10 क्यूब इज 16, और उस 16 डिवाइजर्स में ऐसे कौन कौन से मल्टीपल्स हैं जो 10 स्क्वायर के बनेंगे? तो आप देख रहे हो कितने बन रहे हैं सर? 4 बन रहे हैं यहां पे। बात समझ में आ रही है? ठीक। और आप ध्यान देना, इसमें कुछ क्लूज निकल के आएगा कि भाई ये तो एक छोटा सा नंबर्स मैंने लिया था सर, 4 आपने मल्टीपल देख लिया, लेकिन यहां पे तो सर काफी बड़े नंबर्स हैं। और उसी के लिए मैं आपको कुछ कंक्लूजन बताने वाला हूं, ध्यान देना। अगर आप देख रहे होंगे कि सर 10 स्क्वायर है और मुझे 10 क्यूब पे जाना है, तो मैं कितना मल्टीप्लाई करूंगा सर? 10 का मल्टीप्लाई करूंगा। और आप देखना है यहां पे कि सर एक बात बताओ कि सर ये 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक्चुअल में बोल क्या रहे हो कि 10 स्क्वायर का 10th मल्टीपल इज गोइंग टू बी 10 क्यूब, ये आप बोल रहे हो। तो यार यहां पे देखो ना, अगर मैं इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करता हूं, नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो अपन 10 को क्या लिखते हैं सर? 2 इंटू 5 लिखते हैं ना। इसका मतलब 1 प्लस 1, ये हो गया मेरे पास 1 प्लस 1, हाउ मच सर? 4 हो गया। अब ध्यान से देखो सर, ये 4 आ रहा है और इसके नंबर ऑफ मल्टीपल्स कितने आ रहे हैं सर? ये भी 4 आ रहा है। इसका मतलब कि जो भी नंबर से आप जिस भी नंबर पे ट्रांसफर हो रहे हो, तो उसके जो मल्टीपल्स बनेंगे वही मल्टीपल्स, इस टाइप के क्वेश्चन की बात हो रही है, वही मल्टीपल्स इस 10 का बनेगा। ये 10 क्यों आ रहा है सर? अपन 10 स्क्वायर से 10 क्यूब पे जा रहे हैं, तो जो भी 10 का मतलब जो भी यहां पे नंबर होगा, उसका नंबर ऑफ फैक्टर्स नंबर ऑफ मल्टीपल्स के इक्वल होगा। इसको मैं यहां पे लिख देता हूं कंक्लूजन के तौर पे कि यही मेरे पास नंबर ऑफ मल्टीपल्स बनेंगे। किसके लिए? नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 10 स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है, तो यार प्रोबेबिलिटी क्या लिखोगे सर? आउट ऑफ 16 डिवाइजर, ध्यान देना आंसर लिख रहा हूं मैं इसके लिए, ब्लू कलर से जो लिखा है मैंने, तो डिवाइजर ऑफ 10 क्यूब 16, द आउटकम्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10 स्क्वायर। तो ऐसे कौन कौन से डिवाइजर है जो मल्टीपल बन रहे हैं सर? 1, 2, 5, 10। और मैंने इसको आपको निकाल के बताया कंक्लूजन पे कि जो भी नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा, डिवाइजर होगा, वही नंबर ऑफ मल्टीपल्स बनेंगे इसके लिए। इसका मतलब कितने मेरे पास सर? 4 है ना। इसका आंसर कितना आ गया सर? 1/4। मजा आया क्या आपको? ठीक है, तो यार अब आप लोग समझ गए होंगे ना, आपसे अगर क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं हुआ ना, अब सॉल्व करके देखो, जल्दी से बताओ आंसर क्या आ रहा है, और कमेंट सेक्शन में ना आप कमेंट करना, मजा आएगा मेरे को देखने में भी कि आप लोग सॉल्व कर रहे हो, लिटरली आप लोग सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, ठीक। सो होप सो आप लोग सॉल्व किया होगा, आपका आंसर आ गया होगा। और अब बात करता हूं फाइनल क्वेश्चन का। ठीक ठीक है, आप अब देखो क्वेश्चन क्या लिखा है। डिवाइजर ऑफ 10^99 सर, डिवाइजर ऑफ 10^99 कितना होगा? निकालते ना, देखो नंबर ऑफ डिवाइजर्स या फिर फैक्टर्स ऑफ 10^99। एक बात बताओ सर, 10^99 को आप क्या लिखते हो? आप लिखते हो सर 2 × 5^99, और क्या लिखते हो? 2^99 × 5^99, यही आप लिखते हो ना। तो वही नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होता है सर? ये होता है 99 + 1, अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला 99 + 1, हाउ मच सर? 100 × 100 कितना आ गया?
100000, मतलब 10,000 नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं या डिवाइजर्स हैं किसके, सर 10^99 के, और उसमें से 10,000 में सर ऐसे कितने मल्टीपल्स होंगे 10^96 के, आंसर निकालना है। तो भाई अगर मुझे फाइंड करना है इसके मल्टीपल्स तो कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान दो तरीका मैंने आपको बताया सर, 10^96 से आपको 10^99 पे जाना कैसे है सर, आप तभी जा पाओगे जब आप 10³ पे आ रहे हो, बात समझ में आ रही क्या। इसका मतलब है कि जो 10³ लिखा हुआ है इसको हम रीड कैसे करेंगे सर, 10^96 है तो उसका 10³ तो मल्टीपल 10^99 बनेगा, समझ में आया क्या बात, मजा आया क्या। इसका मतलब कि ये मेरे पास जो है ये आपको अगर फाइंड करना है तो इसका अपन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लेते हैं जो मैंने पहले भी किया हुआ था या फिर उसका डिवाइजर, क्योंकि ये मल्टीपल को शो कर रहा है और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा मेरे पास नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ व्हाट 10^96, मजा आया क्या। ठीक है तो भाई बात बताओ कि 10³ को मैं क्या लिख सकता हूं सर, मैं इसको लिख सकता हूं 2³ × 5³, बस फॉर्मूला अप्लाई कर दो सर, 3+1 है और 3+1 है हाउ मच सर, 16 है ना आपके पास। ठीक, इसका मतलब अगर मुझे आप फाइनल आंसर देना है तो मैं क्या लिखूंगा कि भाई ऐसे प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं जहां पे डिवाइजर ऑफ 10^99 इज मल्टीपल ऑफ 10^96, तो आप बोलने वाले तो ये हो जाएगा मेरे पास आउट ऑफ 10,000 डिवाइजर्स वी हैव द मल्टीपल ऑफ 10^96 हाउ मच, ये देखो निकाला है मैंने 16। अगर इसको सॉल्व करें तो आंसर क्या आएगा सर, 1/6 to 5, दैट इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ऑप्शन ए आपको यहां पे दिख रहा होगा। सो मेरे को लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, मैं ऐसे उम्मीद कर रहा हूं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से आपको इसको और अच्छे फॉर्म में लेके आऊंगा, लेकिन आपको कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि ये अपने को एज अ फीडबैक लग रहा है। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो कि आंसर क्या आ रहा है सर, 1/6 सर, ये कैसे आ रहा है एक बार दिखाइए, तो मल्टीपल 16 देखो आपको मैं दिखा रहा हूं, अगर मुझे लिखना है यहां पे, ठीक है पूरा मैं 16 तो आपको दिखाऊंगा नहीं, आइडिया लगा देता हूं यहां पे, देखो कैसे बोल रहा हूं मैं, आपको ध्यान से देखना आप लोग सर, आप ये बोलना चाह रहे हो क्या कि भाई 10^96 है और 10^99 ये कैसे बनेगा सर, ये ऐसे बनेगा क्या, इंटू 1 और इंटू 10³ ऐसा बनेगा सर, और कैसे बन सकता है सर, 10^96 है इंटू 2 इंटू 10^3, तो ये इसके मल्टीपल हो गए यहां पे, और ये कितना बनेगा सर, 10^99। ठीक, कुछ गलत कर रहे क्या, हाँ बिल्कुल भाई, इसको अपने को यहां से देखना होगा, तो ये पार्ट मेरे पास क्या दिख रहा है सर, ये हो जाएगा मेरे पास 500। ठीक है, तो आप टोटल अगर इसको काउंट करोगे तो कितना आएगा, 10^99। तो ऐसे ही अपने पास और भी बनते जाएंगे मल्टीपल्स जो बनेंगे इसके फैक्टर्स, तो आंसर आपको मिलेगा 16 ऐसे मल्टीपल्स होंगे, पूरा यहां पे रेडी कर सकते हो, तो 16 रेडी करने का आपको बहुत सारा टाइम लगेगा, तो आप इस ट्रिक को यहां पे यूज करो जो मैंने यहां पे आपको ट्रिक बताया, मजेदार ट्रिक है, होप सो आपको समझ में आएगा। फिर मिलते हैं आप लोग यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट वीडियो में अच्छी बात करेंगे और से। ठीक है, बाय क्लास, थैंक यू।